बार बी कॉम यानी कि फर्स्ट सेम, अभी आपका 3 साल में 6 सेम होने वाला है, हर एक साल को 2 सेम में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहले सेम का हम लोग अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों इस साल अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ही आगे कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे इस साल इस सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम है इस साल अकाउंटेंसी एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। FYJC और SYJC में हमने डिस्कस किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और शायद मैंने उस वक्त आपको, जो लोग थे 12th 11th में, तो उनको मैंने बोला था कि FYJC और SYJC में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखना होता है, और FY BCOM से आगे हमें सीखना होता है अकाउंटेंसी एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि बुक कीपिंग चला जाता है। तो पहले आप किसे याद करते हैं कि क्या रहता है अकाउंट, अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, तो अकाउंट इज प्रिपेयर बाय द बिजनेस टू नो वेदर दे आर प्रॉफिट और लॉस। बिजनेसमैन को ज्यादा करके अकाउंट की जरूरत रहती है टू नो वेदर दे आर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम देयर बिजनेस। तो बिजनेस करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, इन ईच एंड एवरी बिजनेस देयर आर टू एक्टिविटीज इन्वॉल्व, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। हर एक बिजनेस में 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। तो मैंने बिजनेस ने पूरे साल में जितना भी बाइंग और सेलिंग किया है उससे उसको देखना होता है कि उसको प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो ये सब उसने साल भर में किया हुआ ट्रांजेक्शन याद रखना इम्पॉसिबल है। तो हम उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट बुक इज कॉल्ड एज अ जर्नल। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन सिस्टमाइज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। बाद में एक बार हमने सब ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, समझे देर आर 1000 ट्रांजेक्शन, तो हमें बाद में पता चलता है कि हम जब बोलते हैं 1000 ट्रांजेक्शन, तो एक्चुअली 1000 ट्रांजेक्शन रहते नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि 1000 ट्रांजेक्शन में परचेस का 100 ट्रांजेक्शन है, सेल का 200 ट्रांजेक्शन है, और सैलरी का 50 ट्रांजेक्शन है। तो एक्चुअली 1000 अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, एक्चुअली 10 या 12 ही ट्रांजेक्शन है जो बार बार क्या हो चुके हैं, रिपीट। तो हम उनके हेड वाइज क्या करते हैं, ग्रुप तैयार करते हैं, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अ लेजर। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लेजर। अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ यह बताने के लिए हमें बिजनेस को ना अमाउंट, बिजनेस का ट्रांजेक्शन के अमाउंट इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। आपने कितने परचेस के ट्रांजेक्शन किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितने रुपए का परचेस किया ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें अल्टीमेटली अमाउंट इम्पोर्टेंट रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो लेजर रहते हैं उनका हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं, और उस टोटलिंग का ग्रुप तैयार करके उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी कि क्या रहता है, हमने जो पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उनका हेड वाइज क्या रहता है, टोटल। तो आपने किया हुआ एक्सपेंसेस, इनकम, परचेस किया हुआ, असेट क्रिएट किया हुआ, लायबिलिटी, वो सबका यहाँ पे क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है इन समरी फॉर्म यानी कि टोटल फॉर्म में। और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट। हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट। तो दिस इज द प्रोसेस टू नो वेदर बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम देयर बिजनेस एक्टिविटी। तो ये सब प्रोसेस हम लोग हर वक्त क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक बिजनेसमैन को उस साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताने के लिए। तो मेरे बच्चों ये जो जर्नल रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट टू नो वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो अभी इससे आगे आपका बुक कीपिंग नहीं रहने वाला है, अकाउंटेंसी रहने वाला है और फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो बुक कीपिंग कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब आपको अभी कभी भी जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना होता है, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना होता। लेकिन मेरे बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि जर्नल एंट्री इज अ बेस। जर्नल एंट्री क्या रहता है, बेस रहता है। अगर आपको कहीं भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो कुछ भी तकलीफ होती है, तो उस ट्रांजेक्शन का पहले जर्नल एंट्री पास करना, बाद में उसका क्या प्रिपेयर कर पास करना है, प्रिपेयर करना होता है लेजर अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हर प्रॉब्लम में जर्नल एंट्री नहीं रहते हैं, बहुत रेयर केस में आपको क्या पास करना होता है, जर्नल एंट्री। तो बुक कीपिंग नहीं रहेगा, अकाउंटेंसी रहेगा, यानी कि आपको लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब तो चीजें रहने वाली है। और इसके अलावा आपको क्या रहने वाला है, फिनेंशियल मैनेजमेंट।
फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या रहता है मेरे बच्चों? तो मैनेजमेंट आपने उसी में सीखा होगा, मैनेजमेंट का क्या मतलब रहता है? आपके पास जो भी चीजें हैं उनको कंट्रोल करना, उनको डायरेक्ट करना, उनका कलेक्शन करना, वो सब एक साथ लाना और उनको प्रॉपरली मैनेज करना बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हमें ना फाइनेंस पैसे का क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। बेसिकली हर एक बिजनेस में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? पैसा। तो फाइनेंस का कैसे मैनेजमेंट करते हैं ना, वो हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा नया सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा? अकाउंटेंसी एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ बुक कीपिंग चला गया, उसकी जगह क्या आ गया? अकाउंटेंसी और क्या आ गया? फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये मेरे बच्चों हमारा नया सब्जेक्ट है इस साल का FY2COM का फर्स्ट सेम का। तो अभी हम देखते हैं आपको क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या सीखना है, सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट टर्म में आपके फर्स्ट टर्म में सिलेबस क्या क्या है, कौन से टॉपिक हमने सीखना है। तो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस, ए फॉर अकाउंटिंग, एस फॉर स्टैंडर्ड। एस क्या रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो मेरे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको याद होगा तो फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक याद रखना है आपको। लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट है ना, आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। वो FY जैसे में था, SY जैसे में था, FY BCOM में भी है, SY BCOM में भी है, TY BCOM में भी है। हर वक्त फाइनल अकाउंट का बेस वही रहने वाला है, उसका बेस वही रहने वाला है। ऑन द कंट्री यहाँ में FY BCOM में भी जो हमने 12th में फाइनल अकाउंट सीखा था ना, वही सीखना है सब, वही सब एडजस्टमेंट है, वही सब अकाउंट बेसिक, एक अकाउंट चेंज होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी एस, तो एस क्या रहता है? तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखा रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस बोथ आर गिवन, टेक व्हिच एवर इज लोअर। तो हमें कैसे, ये किसने बताया हमने कि क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर? क्यों लोअर ही क्यों लेना है, मुझे हायर लेना है। कोई बोलेगा मुझे लोअर लेना है, कोई बोलेगा मुझे हायर लेना है, तो क्या कैसे होगा? फिर मेरे बच्चों अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आपको कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसका ICAI, ICAI का मतलब क्या रहता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पूरे भारत देश में अकाउंट पे कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ICAI। तो ICAI कुछ नए नए ना रूल्स फॉलो, रूल्स बताती है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ये रूल सबको फॉलो करना है, अदरवाइज अगर किसी को रूल्स नहीं देंगे ना तो जो तो हर कोई अपने अपने मर्जी से अकाउंट प्रिपेयर करेगा, तो एक ही अकाउंट सबका अलग अलग आंसर रहेगा। यानी कि कोई लोग बोलेंगे कि हमें क्लोजिंग स्टॉक का ना कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, कोई बोलेंगे हमें मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, कोई बोलेगा लोअर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, कोई बोलेगा हायर प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो एक ही प्रॉब्लम चार लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, तो चारों का आंसर क्या रहेगा? अलग अलग। हाँ, तो सबके लिए सिमिलरिटी आना चाहिए, सबके अकाउंट में सिमिलरिटी आना चाहिए। इसके लिए अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स है जो ICAI ने डिसाइड किया रहता है, और ईच एंड एवरी अकाउंटेंट हैज टू फॉलो दैट रूल, और हर एक अकाउंटेंट को वो रूल फॉलो करने ही होते हैं। एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें से तीन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखना है जो थ्योरी के लिए हमें पूछा जाता है। तो एस ये टॉपिक रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें से तीन सीखने हमें वो ज्यादा करके थ्योरी के लिए पूछते हैं। सेकेंड टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी का मतलब कुछ नया नहीं है बच्चों, अब तक हम जिसको स्टॉक बोलते थे उसी को अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। तो स्टॉक वैल्यूएशन, मैंने हर बार आपको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने ना, वो फिजिकली हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो ये कैसे स्टॉक निकालना होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए दो मेथड रहते हैं, लिफो मेथड है, फिफो मेथड है, वेटेज एवरेज मेथड है। तो उसमें से आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं उससे आपका स्टॉक वैल्यूएशन होता है कि आपके पास कितना रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, वो हमें इसमें सीखना है। इन्वेंटरी का मतलब कुछ नया नहीं, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये स्टॉक जो गुड्स हमारे हैं ना बचे हुए उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। फाइनल अकाउंट, मेरे बच्चों फाइनल अकाउंट इस साल अकाउंट सेम है, जो आपका 12th का अकाउंट है ना वही सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको ना मैन्युफैक्चरर का एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। मैन्युफैक्चरर फाइनल अकाउंट। लास्ट ईयर हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किया था वो ट्रेडर का था, ट्रेडर। तो क्या डिफरेंस रहता है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में?
मेरे बच्चों ट्रेडर है ना, मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करते हैं और कस्टमर को गुड्स क्या करता है, सेल करता है। तो ट्रेडर इज नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट ऑल। कोई भी ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो वो फिनिश गुड्स परचेस करता है, तैयार प्रोडक्ट परचेस करता है और वही क्या करता है, वो बेचता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर का मतलब कौन रहता है कि जो गुड्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, वो फिनिश गुड्स नहीं परचेस करते, वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। उस रॉ मटेरियल पे विद हेल्प ऑफ मशीन एंड लेबर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो मैन्युफैक्चरर का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। और जब मैन्युफैक्चरर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देखा था। तो उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और उसके पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, मैन्युफैक्चरर अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरर अकाउंट क्या रहते हैं ना, उसके बारे में आपको बताना है। मैन्युफैक्चरर अकाउंट कुछ अलग नहीं रहते हैं, जो जो एंट्री हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पास किया था वो सब एंट्री कहाँ पे जाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर अकाउंट से। कुछ ऐसा एंट्री फिनिश गुड्स से रिलेटेड जो ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा वो मैन्युफैक्चरर अकाउंट में जाएगा नहीं, वही थोड़ा अलग है। बाकी सब पोस्टिंग एज इट इज क्या रहने वाला है, सेम। सब एडजस्टमेंट सेम है, सब चीजें सेम है, कुछ नया सीखना नहीं है। तो अगर आपको लास्ट ईयर का 6 महीने हो चुके हैं, ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा पीरियड हो चुका है, आप शायद भूल गए होंगे, तो वही आपको सिखाना है मुझे फाइनल अकाउंट में। डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट यानी कि ऐसा बिजनेस कि एक ही बिजनेस है लेकिन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप शायद कहा जाते हैं अपना बाजार में गए, अपना बाजार एक कॉपरेटिव सोसाइटी है लेकिन मैं कमर्शियल बिजनेस के बारे में पूछता हूँ, बोलता हूँ, समझो कोहिनूर में गए, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग, कोई इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है लेकिन उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। टीवी का डिपार्टमेंट अलग है, फ्रिज का डिपार्टमेंट अलग है, वॉशिंग मशीन का डिपार्टमेंट अलग है, और कुछ आईएम वगैरह आएगा उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो जैसे जैसे अलग अलग हेड के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है ना, वैसे उनके अलग अलग हेड है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि मुझे देखना है, समझो टीवी फ्रिज सब मैंने एक साथ ही रखा और सब मैं बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे ना टीवी बेच के एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो रहा है, फ्रिज बेच के कितना एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे प्रॉफिट किससे ज़्यादा हो रहा है, टीवी बेच के हो रहा है, फ्रिज बेच के हो रहा है, वॉशिंग मशीन बेच के हो रहा है, या अदर कोई अप्लायंसेस बेच के हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि बहुत टीवी बेच के मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना वो फ्रिज बेच के मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं शायद ऐसा भी कर सकता हूँ, फ्रिज बेचना बंद करूँ और वही सब कंपार्टमेंट किसके लिए यूज़ कर सकूँ मैं, टीवी बेचने के लिए। तो इसलिए एक ही बिजनेस में जब अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, या कुछ कुछ बिजनेस में तो प्रॉपर डिपार्टमेंट ही रहते हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंटल स्टोरी रहता है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट रहते हैं, वो ग्रोसरी के लिए अलग रहते हैं, वेजिटेबल के लिए अलग रहता है, ऑयल का अलग रहता है, तो ऐसे वो डिपार्टमेंट करते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट का हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है क्या, लॉस, तो वो हमें सीखना होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट में। अकाउंटिंग फॉर द हायर परचेस, हायर परचेस का मतलब मेरे बच्चे, जब आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में परचेस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हायर परचेस। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, ज़्यादा करके उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, तो हम लोग वो ना एक साथ पेमेंट नहीं करते, ज़्यादा करके हम किस पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में। तो जब वो चीज़ हम लेते हैं तो पहला कुछ अमाउंट पे करते हैं स्टार्टिंग में, समझे 10,000 का चीज़ है तो हमें 2,000 पे करना होता है, सिर्फ 2,000 ही पे करना होता है, ज़्यादा नहीं, वॉट एवर द अमाउंट। तो ये जो पहला अमाउंट, इनिशियल अमाउंट हम पे करते हैं ना, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट। और बाकी बचा हुआ अमाउंट है ना, हमें इंस्टॉलमेंट में हर महीने हम बोलते हैं कि हर महीने हम इतना इतना पैसा पे करेंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर जाते हो ना, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो एक्चुअल प्राइस से थोड़ा अमाउंट हमें ज़्यादा पे करना होता है। तो उसका कैलकुलेशन हमें सीखना होता है अकाउंटिंग फॉर द हायर परचेस में। नेक्स्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर आपको पता होगा तो लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी खर्चा या इनकम रिकॉर्ड करते वक्त ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर क्लासिफाइड अंडर 3A, दैट इज रेवेन्यू, कैपिटल एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और अकाउंट का रूल है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस रहेगा तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट,
अगर डायरेक्ट रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आना चाहिए, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आना चाहिए, और कैपिटल रहेगा तो बैलेंस शीट में ही आना चाहिए। अगर डायरेक्ट रेवेन्यू इनकम आपने एक्सपेंसेस आपने बैलेंस शीट में दिखाया तो रॉन्ग, आपका आंसर टैली होगा लेकिन वो रॉन्ग रहेगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया रेवेन्यू तो रॉन्ग। तो रूल है कि जो खर्चा रहेगा या तो रेवेन्यू रहता है या तो कैपिटल रहता है। रेवेन्यू रहेगा तो या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में ही आना चाहिए, और कैपिटल रहेगा तो वो कहाँ पर आना चाहिए, कंपल्सरी बैलेंस शीट में ही आना चाहिए। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे को रेवेन्यू बोलते हैं, कौन से खर्चे को कैपिटल बोलते हैं। अगर आपको याद रहे तो 12th में मैंने ना एक एडजस्टमेंट सीखा था, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो फिर वो वेजेस है ना मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए खर्चा किया है तो वेजेस अकाउंट में नहीं आना चाहिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका हमने क्या किया था रेक्टिफिकेशन। तो वो सब एंट्री हमें क्या करना है वो हमें सीखना है। और ये थ्योरी के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेवेन्यू कौन सा खर्चा रेवेन्यू है, रेवेन्यू या कैपिटल कौन सा खर्चा कैपिटल है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू या कैपिटल है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा पहले कुछ सिलेबस है जो हमें फर्स्ट हमने सीखना है। ऑलमोस्ट इसमें से देखो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही ईजी रहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फाइनल अकाउंट है ना बहुत ही एज इट इज ऑलमोस्ट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट छोड़ के बाकी सब सेम है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी बहुत इजी रहता है। अकाउंटिंग फॉर द हायर परचेज डिपार्टमेंट अपन, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो थ्योरी ही रहता है, थ्योरी रहता है, कुछ नया नहीं थ्योरी है। क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्या उसके फायदे है, तो क्या फीचर्स है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में वहाँ पे बताया जाता है। अभी सिलेबस देखने के बाद पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 मार्क्स के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का, तो उसमें से वो सिलेबस रहता है। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वहाँ पे 2 सब क्वेश्चन रहेंगे ए और बी। एक सब क्वेश्चन में 12 स्टेटमेंट 12 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उसमें से आपको कोई तो 10 सॉल्व करने हैं फॉर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए ए सेक्शन ए रहेगा सब क्वेश्चन। बी सब क्वेश्चन में भी सेम ऑब्जेक्टिव में 12 सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 लिखने हैं, हर एक स्टेटमेंट को 1 मार्क। अभी वहां पे क्या क्या पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स विद मल्टीपल चॉइस, या तो क्या पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स, या तो क्या पूछ सकते हैं मैच द कॉलम्स, या तो क्या पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस भी फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, लेकिन वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ ऑप्शन देते नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया रहता है। मेरे बच्चे 4 में से कुछ तो 2 ही आएंगे, या तो मल्टीपल चॉइस आए और ट्रू और फॉल्स आएगा, मे बी मल्टीपल चॉइस मैच द कॉलम, मे बी मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक, या ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी आ सकते हैं। ये 4 में से कोई तो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे 10-10 मार्क के लिए, 12-12 स्टेटमेंट रहेंगे, फिल इन द मैच द पेयर के लिए भी, मैच द कॉलम्स के लिए भी 12 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसके आंसर कितने भी 16-17-18 आपको ऑप्शन रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको 10 करेक्ट लिखने हैं। तो ये आपको रहेगा 20 मार्क के लिए, 10-10 मार्क के 2 रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे 20 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, उसको और दूसरा और एक क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों केस में आपको 2-2 क्वेश्चन रहेंगे 20-20 मार्क्स के, उसमें से आपको कोई तो एक ही सॉल्व करना है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, मे बी वो 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 20 मार्क का, एक पूरा 20 मार्क का आपको सॉल्व करना है, या तो 10-10 मार्क के 2 रहेंगे या तो 20 मार्क्स का एक रहेगा, लेकिन उसको ऑप्शन भी 20 मार्क्स का कुछ दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है, 2 में से कोई तो क्या करना है, एक सॉल्व करना है।
अभी उसको कॉलेज के पास कुछ मार्क्स नहीं है, पहले 60-40 तो रहता था, 60 मार्क्स आपको एग्जाम देना पड़ता था, 40 मार्क्स कॉलेज या 75-25 बाद में हुआ था, अभी पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, कॉलेज के पास कुछ मार्क्स रहते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहता है, थ्योरी क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 20 मार्क के या तो 10-10 मार्क के दो थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, और या तो 20 मार्क के लिए आपको क्या सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट्स, तो यहाँ पे 6 शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं, उसमें से आपको कोई तो 4 करना है, यानी कि हर एक शॉर्ट नोट को कितना मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स। अब ये बच्चों ये थ्योरी क्वेश्चन में ज्यादा करके क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चन में आपको ज्यादा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, और क्या आता है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी के टॉपिक से भी आ सकते हैं थ्योरी, लेकिन ज्यादा करके ये आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कहीं पे भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको एक एक स्टेटमेंट देंगे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपको पता है कि वो कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, डिफर्ड रेवेन्यू है विथ रीजन, तो हम बताएंगे वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज दिस एक्सपेंसेस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी और व्हाट एवर द एक्सपेंसेस इनकर ऑन असेट टू ब्रिंग इट इन कंडीशन टिल ब्रिंग इट इन कंडीशन इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा आपको सब लिखना होता है। तो ये आपका मेरे बच्चों रहता है पेपर पैटर्न, इस पेपर पैटर्न में हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम पेपर सॉल्व करना होता है, तो हर एक के लिए ऑप्शन है, दो में से कोई तो एक ही आपको सॉल्व करना है, और थ्योरी भी आपको हर एक टॉपिक का थ्योरी करना है। अभी कुछ लोगों की गलत फहमी होगी कि यहाँ पे थ्योरी में ना सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी के टॉपिक से में भी आपको कुछ थ्योरी भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। क्यों क्या रहते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ना, लिफो मेथड के बारे में बताओ, फिफो मेथड के बारे में बताओ, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो थ्योरी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसका भी रहता है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, तो ये हमें थ्योरी का टिप से करना है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, तो ये सिलेबस है आपका और ये आपका पेपर पैटर्न है, उसको देख के ही हमें अभी क्या करना है, पूरा स्टडी शुरू करना है। तो मेरे बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट, अभी मैंने जो भी था सिलेबस था वो सब मैंने आपको बता दिया है, अभी हम लोग टॉपिक सीखना शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो इस फाइनल अकाउंट में और लास्ट ईयर के फाइनल में क्या डिफरेंस है, तो मेरे बच्चों FY जैसे में आपने फाइनल अकाउंट किया था सोल ट्रेडर का, SY जैसे में आपने फाइनल अकाउंट किया था पार्टनरशिप फर्म का, इस साल हम फिर से फाइनल अकाउंट करने जा रहे हैं सोल ट्रेडर्स का, तो फिर से हम लोग वही वापिस जा रहे हैं जहाँ पे हमने FY जैसे शुरू शुरू किया था, वही हम फिर वापिस जा रहे हैं, हमें यहाँ इस साल फिर से सोल ट्रेडर का ही फाइनल अकाउंट करना है, यानी कि FY जैसे में आपने जो सीखा था वही सब यहाँ पे हमें फिर से सीखना है, सिर्फ यहाँ पे एडजस्टमेंट 12 का जो रहता है वो भी आने वाला है, अनरिकॉर्डेड सेल अनरिकॉर्डेड परचेस, ज्यादा करके वो FY जैसे में कोई पूछता नहीं था, तो वही सब है। तो फिर FY जैसे का फाइनल अकाउंट सीखने के लिए फिर से हमें FY रिफॉर्म में इतना फीस क्यों पे करना है, तो उसमें नया क्या है, तो इसमें नया क्या है, तो मेरे बच्चों अब तक हमने जितने भी फाइनल अकाउंट किए FY जैसे या SY जैसे में सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म का वो ट्रेडर फाइनल अकाउंट किया था, और इस साल से हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरर फाइनल अकाउंट करना है, मैन्युफैक्चरर का फाइनल अकाउंट करना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या रहता है, दिस आर द पर्सन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ये ट्रेडर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और उससे उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स में वो क्या करते हैं, बेचते हैं। तो हमें अभी इस साल मैन्युफैक्चरर का अकाउंट करना है, तो उसमें क्या चेंज होता है, देखो मेरे बच्चों यहाँ पे आपको आने वाला है, वर्ड आने वाला है रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या कुछ रहा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ज्यादा करके ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस या उसी को क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस,
इसका मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस? मेरे बच्चों, हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो रॉ मटेरियल भी नहीं रहता है और फिनिश गुड्स भी नहीं रहता है, वो बीच में प्रोसेस में लटक जाती है। तो ये जो ऐसी जो चीजें हमारे पास है, उनको ना पूरा रॉ मटेरियल भी नहीं है और पूरा फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, समझो कोई ना स्टील का बर्तन बनाने वाला कोई मैन्युफैक्चरर है, जो पहला क्या लाता है, शीट लाता है, वो एल्यूमिनियम या व्हाटएवर द पतरे की जो भी शीट लाता है, तो ये पतरे की जो शीट लाता है ना, उसको वो क्या बोलेगा, रॉ मटेरियल, दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ दैट बिजनेस, उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। फिर उस पर कुछ ना अलग अलग प्रोसेस करके ना एट द एंड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या, वो जो पतरे का शीट है वो मशीन में डाल दिया और डायरेक्टली उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां पे बहुत सारी प्रोसेस होती रहेंगी। तो पतरे का शीट आता रहेगा, उसको कुछ है ना काटते रहेंगे, फिर काटने के बाद उसको ना कुछ शेप दिया रहेगा, वो शेप देने के बाद उसको कुछ कलरिंग रहेगा, फिर उसमें मोल्डिंग रहेगा, वो रहेगा। तो एक चीज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5-6 प्रोसेस है, उससे उसको क्या होना होता है, पास होना होता है। जब तक वो शीट है ना, पतरे का शीट है ना, तब तक वो रॉ मटेरियल है, और जब तक पूरा प्रोडक्ट बनते है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। लेकिन अभी क्या हो गया, देखो 10 पतरे का शीट है, उसमें से 6 पतरे का शीट मैंने ना मशीन में डाल दिया है प्रोसेस के लिए, उसमें से 4 पूरा बर्तन तैयार हो चुका है, लेकिन 2 है ना उसमें से, उस पे ना सिर्फ पहले 2 का प्रोसेस हो चुका है और आगे का 3-4 प्रोसेस बाकी है। यानी कि वो अभी पतरे का शीट भी नहीं रहा, यानी कि रॉ मटेरियल भी नहीं रहा, और वो अभी तक फिनिश गुड्स में भी क्या नहीं हुआ है, कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये जो ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं ना, जो अभी तक रॉ मटेरियल में भी नहीं है और फिनिश गुड्स में भी नहीं है, कन्वर्ट है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि वो ऐसी चीजें है जिन पे अभी काम चालू है, वो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है और काम चालू शुरू भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक क्या नहीं हो चुका है, खत्म नहीं हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कुछ नई चीजें आपको सीखने हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है और ये भी कुछ टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अलग क्या रहेगा, तो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे भी क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और आपको क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट। ये दो चीजें आपको दी रहेंगी और विद द हेल्प ऑफ दिस आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे हमने ना एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो कौन सा एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अब तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था कि नहीं, तो उसकी जगह भी क्या आएगा, उसकी जगह नहीं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा अकाउंट स्टार्टिंग में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये यहाँ पे हो गया, ये सीक्वेंस रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आया था उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, कि हम एक चीज तैयार करने के लिए कितना खर्च आया, कितना खर्चा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में सेल वगैरह नहीं रहता है, आपको सेल कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, ट्रेडिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा वो रहता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेल कौन सा आता है, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि कोई कचरा आपने स्क्रैप बेचा रहेगा ना, तो उसका आता है एंट्री, लेकिन सेल ऑफ गुड्स कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, वो फिनिश गुड्स हो गया। फिनिश गुड्स से रिलेटेड कुछ भी रहेगा ना, वो सब कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे बच्चों, जो जो एक्सपेंसेस अब तक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे ना, वो सब एक्सपेंसेस में बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस, वो सब एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स तो रहेगा नहीं, हम परचेस ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे भी नहीं, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ परचेस, परचेस रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी ऑन परचेस वगैरह रहेगा, तो कुछ यहाँ पे ज्यादा करके नहीं रहते हैं, लेकिन डॉक चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस,
ये सब कहाँ पे जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो अब तक हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे बच्चों इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पूरा का पूरा एज इट इज हमें कहाँ पे ट्रांसफर, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ज्यादा कुछ नहीं आता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है ना वही वहां पे आ जाता है, ट्रांसफर करना होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना जो पहला हमारा था ना वो एज इट इज सेम रहेगा। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये सब एंट्री है ना, ये फिनिश गुड्स रहते हैं, ये सब फिनिश गुड्स रहते हैं। तो ये सब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। तो मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का सब खर्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर जाता है अभी यहाँ पे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का है ना सब जो सेल्स बिल्स है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में ज्यादा करके सिर्फ क्या आता है? सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, वहां पे सेल ऑफ गुड्स कभी आता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये देखने के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हम जो चीज बना रहे हैं ना उसका कितना कॉस्ट है, वो कितने का बना है, कितना खर्चा आया वो चीज बनाने के लिए, उस वो जानने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दैट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके लिए वहां पे ना परचेस सेल ऐसा कुछ नहीं रहता है, वहां पे हमें कितना खर्चा आया उसको रिकॉर्ड करके हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो ये रहता है मेरे बच्चों, ये अलग बात है, बाकी सब एज इट इज सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें यहाँ पे मेरे बच्चों अभी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम एक्सपेंसेस बोलते हैं ना, तो कुछ एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहते हैं, कुछ ऑफिस से रिलेटेड रहते हैं, कुछ फाइनेंस के रहते हैं, कुछ अदर एक्सपेंसेस रहते हैं, तो उनको हमें कैटेगरी करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसका मैं फॉर्मेट आपको देने वाला हूँ। प्लस आप जो भी इनकम करते हो बैलेंस शीट में, पहले आप रिकॉर्ड करते वक्त ना, हमने एफओएसए में कैसे भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करते वक्त ना पहले फिक्स असेट रिकॉर्ड करना होता है, बाद में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना होता है, बाद में करंट असेट रिकॉर्ड करना होता है, और बाद में फिक्स्चर्स असेट में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। मुझे लगता है आपको शायद याद होगा फिक्स असेट क्या रहता है, करंट असेट क्या रहता है, फिक्स्चर्स असेट क्या रहता है, वो तो आपको अभी आना ही चाहिए। जो फिक्स असेट है गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया रहेगा तो इन्वेस्टमेंट, जो कैश बैंक वगैरह है ना वो सब हमारे क्या रहते हैं, करंट असेट। और फिक्स्चर्स असेट का मतलब क्या रहता है? Those assets which we cannot convert it into cash, कि वो asset दिखाई देते हैं लेकिन वो cash में convert नहीं कर सकते हैं। तो एक preliminary expenses made at a time of establishment of company या business, advertising expenses, heavy advertising expenses paid, कि जो खर्चा है लेकिन वो खर्चा जो asset दिखाई दे रहा है लेकिन वो हम cash में convert नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? Fictitious asset। तो वो सब सीक्वेंस हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। तो वो चीजें कुछ हमें यहाँ पे इस साल सीखनी है। तो मेरे बच्चों विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट वही सब हमें प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सोल ट्रेडर का ही है, यहाँ पे पार्टनर्स के पूरा अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सभी एडजस्टमेंट सभी सब सेम रहने वाला है। ऑन द कंट्री में तो आपको एडजस्टमेंट जो मैंने 12 को सिखाया ना वही वीडियो में आपको सेंड करने वाला हूँ, क्योंकि वही सब एडजस्टमेंट है, फिर से मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। या तो एस वाई बी कॉम में भी वही सब फाइनल अकाउंट है, सिर्फ वहाँ पे फाइनल अकाउंट में एडमिशन रिटायरमेंट डेट का भी कॉम्बिनेशन रहता है, पहला नॉर्मल फाइनल अकाउंट और भी एडमिशन रिटायरमेंट डे, तो उनको भी फिर से वही सब सिखाना पड़ेगा। यानी कि एफवाईजेसी में जो मैंने एडजस्टमेंट सिखाए थे वही सब एडजस्टमेंट एसवाईजेसी, एफवाईबीकॉम और एसवाईबीकॉम में मुझे कंटिन्यूसली सेम सिखाना है, तो वही सब सेम रहेगा। यहाँ पे अलग सिर्फ आ गया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो वही हमें देख रहे हैं, बाकी कुछ नया देखना नहीं है। और थोड़ा एडजस्टमेंट का लेवल अभी बढ़ जाएगा,
एक्सपर्ट जैसे में ज्यादा करके बहुत ही इजी एडजस्टमेंट रहते हैं, यहाँ पे भी इजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ वहाँ पे घुमा फिरा के वो आपको क्या पूछेंगे, एडजस्टमेंट पूछेंगे, तो आपको सोच समझ के उसका क्या पास करना है, इंटरव्यू पास करना है, ये वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब चीज़ नया आया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी मैन्युफैक्चर अकाउंट क्या रहता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या कौन सा एंट्री आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या आता है, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। My room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.